यार इनको मैंने अभी अभी रोटी डाली और ये ऐसे लड़े हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया के बिछड़े हुए लोग मिल गए। देखे 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 टप्पे किए, देखे देखे कोई यूं जा रहा है, देखे बस 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 देखते हैं कौन जीता यार इनमें से। तोतो को भी दोपहर को साफ फूड डालना भूल गया हूँ क्योंकि साफ फूड मेरे पास ही नहीं। अब जो बचा हुआ था ना रोटियां वगैरह वो मैं ले आया हूँ, सर वो हम भजीस को भी खिलानी है। इसके अलावा इनको तो मैंने कुछ डाली, इनकी तो अभी जंग स्टार्ट हुई, बढ़िया पता नहीं कब खत्म होगी। तो यार देखते हैं कोई फीमेल गई बैठी है। वैसे यार ये फीमेल भी एक आई बैठी है, वो वाली फीमेल भी एक बास्केट पर गई बैठी है। ये भी पूरा प्यार बास्केट पर गया बैठा है और ये देखें ये वाला प्यार भी गया बैठा है बास्केट पर। मेरे ख्याल में आप बस नए अंडे देने वाले हैं गाइस के। और वो जो तीन फीमेल्स हैं ना आज दो बैठी हुई हैं, उन्होंने अंडे तो दिया हुआ है यार, पता नहीं बच्चे इनके क्यों नहीं निकाल रहे। गाइस चूजा अंदर चला गया और जो जाते हैं ना कोयल को मारना स्टार्ट कर देगा। यार सारे आज मेरे तोते यहाँ पर आए बैठे, मुझे लगता है इनकी खुराक खत्म हुई पड़ी है। ओ तेरा सर अंदर आता है यार, ये आप कोयल को मारेंगे इनको पहले बाहर भगा, बाहर जाओ। देखा नहीं जा रहे, अब ये कोयल को मारेंगे बहुत बुरे तरीके से। देखना देखो ऐसे मारते ना जैसे इनके बाप लगे। चल भाई निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। औकात में रहो तुम, यहाँ पर अंदर आते तो कोयल को नहीं मारना तुमने। तब बाजरा खत्म हुआ पड़ा होगा शायद, हाँ ये देखना सिर्फ चूरा बचा पड़ा और यहाँ पर भी खत्म हुआ पड़ा बाजरा। इनको यार बाजरा भी डालते, पहले यार मैं रोटी लेके आता हूँ, इनको रोटी खिलाते हैं। हट जाओ। ये रही रोटी, ये इनको खिलाते हैं, ये हम अपने बड़े भजीज को खिलाएंगे। थोड़ी सी रोटी यार पड़ी हुई आज मेरे पास, क्या मिठू यार ग्रीन वाला, ये बड़ी मेरी बात मानता है। ये देखें अब मेरे हाथ में इस टाइम और ये खाता जा रहा है। ये सबसे पहले आता है, ये मेल है जो शुरू से यानी कि मेरा टाइम है, कोई जब नहीं आता है सबसे पहले यही आता है। और मुझे लगता है और मेरे ख्याल में बाकियों को भी इसने ट्रेन किया कि यार कुछ नहीं होता। और दूसरा नंबर पर ब्लू वाला आता है, ये आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बताया और बाद में भी यही बताऊंगा। फिर और आते जाते फिर आगे कोई तरतीब नहीं है। ये जो दोनों हैं ये मेरे पक्के टाइम पैरेट हैं। आज मैंने यार खुद अपने हाथ में नहीं रखा क्योंकि हाथ नीचे होता ना फिर ये उठ जाते हैं, और इसके अलावा ऊपर भी नहीं फेंका मैंने कि इनकी आदत ना खराब हो जाए। अब ये खा भी रहे हैं और ये देखे बैठे भी सीधे हूँ मैंने एक जगह पर, और हाथ में भी मैंने पकड़े हुए हैं। और ख्याल से नीचे मेरी उंगली है ये ना, रोटी खाते खाते मेरी उंगली भी खा जाओ। बंदे था पोत्र बड़े यार, यहाँ क्यों आए हो, वहाँ पर बैठना। ये देखे गाइस कितने सारे सर हैं, और ये देखे यार सारे के सारे मेल है गाइस। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठे हुए और 10 के 10 मेल हैं। अब मुझे बताएं फीमेल्स कहाँ हैं यार। मुझे लगता है गाइस मैं मेल हूँ ना इसलिए मेरे पास सारे मेल आते हैं। एक फीमेल आ गई, मुबारक हो भाई, फीमेल आ गई। यार फीमेल गाइस कम आते हैं। तो यार जहाँ पर ये देखे कोयल के मजे हो रहे हैं, सिर्फ कोयल खा रही है और हमारे फिंचिस बेचारी बोर बैठी हुई हैं। फिर बेचारी यहाँ पर बोर बैठी हुई है, इनको कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है यार। तो यार गाइस अपना ऊपर रह देते ताकि हमारे फिंचिस भी खा सके। एक मिनट छोड़ो यार, साथ ही आ रहे हो ये। चलो ये यहाँ पर रख देता हूँ, चलो आप खा लो। अब जो डर भी रहते ना यार आने से वो भी अब आके खा ही लेंगे। आप देखिएगा फिंचिस भी नीचे लैंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखा गई ना 1 2 3 4 5 6 ऐसा लगता नहीं जैसे इनको कोई खींच रहा है। तो यार ये भी गाइस रोटी भी खाने जा रही है, चलो ये भी खाए और ये भी खाए। तो यार गाइस आज मैं 2 दिन बाद, कल मैं नहीं गया था भजीज की कुंडली में, मैंने कहा था कि यार रोजाना नहीं जाते ताकि एक दिन अंडे आ जाए ना फिर हम जाएंगे, लेकिन अंडा आ चुका था हमें पहले ही पता है। 1 2 3 4 5 ये डोली नंबर 6 जिसमें अंडा आ चुका है। एक फीमेल है उसने अंडा दिया हुआ है, देखते यार उसने दूसरा अंडा दिया, मुझे लगता है एक और फीमेल ने भी अंडा दे दिया होगा। गाइस बड़े हो गए इनमें से ना, पहले मैंने कहा था ना कि यार 2 की घंटे निकल रही है। अब ये देखिए इसकी तो फास्ट जाना बिल्कुल, इसकी तो पहले निकल चुकी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें वो ब्लैक इसके भी टिक्की आ गया, तो इसका मतलब इसकी भी यार पक्का 100% मेल। और ये देखें इसकी तो उससे भी बात है, ये भी मेल है 100%, यानी कि अब शोर होता जा रहा है कि यार ये तीनों मेल है। पहले मुझे फिर भी 2% था, एक यानी कि 100% कंफर्म नहीं था, अब 100% तीनों कंफर्म हो गए हैं। ऐसे अंदर आना चाहते हैं, पता है ना कि यहाँ पर रोटी गिरी पड़ी और कोयल भी खा रही थी, हम भी खाएंगे। चलो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भागो। अभी तो यार मैं तुम्हें रोटियां देखे गए, कहाँ गई रुमारी रोटियां हैं। चलो यार इनको थोड़ी सी और डाल देते हैं क्योंकि यही ज़्यादा भूख है इनको। तो ऐसा करते हैं यार गाइस, कर वैसे तो ये बर्तन में नहीं खाएंगे लेकिन फिर भी हम तमीज तरीके से ना बर्तन में रख के देते हैं क्योंकि इन्होंने तो ये देखिए आप ये झाप लगाएंगे। हटो, छिड़ गई थर्ड वार्ड छिड़ गई। यार कैसे क्या सीन हो गया यार, हमने भी डोलियाँ लगाई हैं और गर्मी आ गई है। पिछले 3 दिन इतनी शदीद गर्मी रह गई है ना, यानी कि जिस दिन मैंने डोलियाँ लगाई थी ना उस दिन यार ठंडक मौसम था, मैंने कहा यार अब यानी कि ओके है ठीक है। और जैसे मैंने डोलियाँ लगाई अगले दिन गर्मी, उससे अगले दिन गर्मी और टेम्परेचर 39 को क्रॉस करके 40 पर चला गया यार। अब मुझे बताया जब टेम्परेचर 40 हो गया तो अंडे का मैंने आपको बताया था 39 होता है, अगर 39 से नीचे रहता तो अंडा हेच हो जाता। अब 40 पर चला गया, ऊपर चला गया तो आप पता है आपको अंडे के साथ क्या होना है, अब अंडा हेच नहीं होगा, बॉयल हो जाएगा। तो यार वैसे ना
मुझे एक है कि क्योंकि यार जो टेम्परेचर होता है ये होता है बाहर का, तो हमारी कॉलोनी तो यार एक तीसरी मंजिल पर बना हुआ, ऊपर ये ना ऊपर से ना ये हर तरफ से यानी कि खुल लिया, तो ठंडा का और इसके अलावा ढोली में अंडा पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में टेम्परेचर अंडे तक जो है ना वो कम पहुंच रहा होगा। वैसे सूरत तो यार गैस हमारे घर के बिल्कुल साथ है, ऐसे लगता है दूसरे घर पर ठहरा हुआ है। तो यार गैस मैं आपको कॉकटेल दिखाता हूँ जो मैंने के परसों छोड़े थे, और गैस इनको मैं भूल जाता हूँ, पता क्यों, ये बैठे हुए असल में ऊपर से ये है ना तो ये मुझे नजर ही नहीं आता यार, तो यार इनको भी कोई साफ फूट डालते, क्योंकि अकेला जब से हमने किया है ना तो बेचारे रो रहे होंगे कि हमें अकेला कल जैसे बजीज के साथ। अब देखे ना मैंने बजीज को जाते ही रोटी डाली, मैंने कहा यार ये बहुत सारे हैं तो उनको मैंने डाल दिया, कॉकटेल वहाँ पर होते तो एक ना एक तो खा लेते ना, अब जब अलग है तो बेचारे नहीं खा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है यार हम इनको खिलाएंगे, इतनी रोटी भी डाल देता हूँ गाइस, एक खीरा भी डाल देता हूँ, खुराक अभी इनकी पड़ी हुई है, पानी भी इनका तकरीबन खत्म हुआ पड़ा है, पानी इनका आधा पड़ा हुआ है, पानी भी चेंज आओ मिठू। यार गाइस ये भी मेरे टाइम है यार, वजीज के साथ रह रहे हैं ना इनकी भी आदत बन गई, ये देखना अभी इनको खिलाए यार, मुझे मुझे कहीं सही कन्फर्म नहीं है लेकिन खिलाने की कोशिश करते हैं। मिठू 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 ये खा लो, नहीं यार गाइस इतना भी नहीं है, ये भी उम्मीद, ओए ये क्या है, ये क्या भाई, वो देखो यार वो देखो जंप लगा के नीचे से खाना स्टार्ट कर रहे हैं यार, ये गलत कर रहे हो तुम, ये देखे नीचे से यार उसको ना वो देखे उसको तमीज़ ही नहीं है यार, डाल देते हैं ताकि ये बर्तन में ही आके खा लें, क्योंकि इन्होंने तो नीचे से जीना हराम कर देना है इनका। अंडा नहीं दे रहा यार, मैं बेचारा अंडा नहीं दे रहा मेरा यार, मैं एक मिनट यार मैं पहले रो के फिर आता हूँ। यार कहीं अंडा नहीं दे रहा यार, हालांकि खुराक भी पड़ी हुई है, पानी भी पड़ा हुआ है, भाई अंडा तुमने देना, तुम अंडा क्यों नहीं दे रहे यार, देखो अभी तक इसका अंडा नहीं है यार, पहले इसने बड़ी तरतीब से अंडे दिए थे, यानी कि एक बच्चा ऐसे बड़ा होकर बाहर आता था और अगला अंडा मैं देखता था आया पड़ता था, मैं कहता था यार थोड़ा सा तो रेस्ट कर लेता फिर अंडा दे देता, लेकिन नहीं ये ऐसे ही करता रह गया, अब पता नहीं अंडा यार क्या हो गया इसको, मुझे मेरे ख्याल में यार ये रेस्ट ही कर रहा है, मैंने आपको बताया था 15 दिन अभी रेस्ट करेगा, सुनो मेरी तुम यूँ करो अभी अंडा दे दो ठीक है ना, इनमें से बच्चे निकाल दो, फिर अगला अंडा बेशक तुम देर से देना ठीक है, थोड़ा सा उस वक्त रेस्ट कर लेना, अभी तो दो ना यार। और गाइस मैं जा रहा हूँ यार अपने 25 की कॉलोनी में अंडे देखने कुछ अर से बाद फिर बच्चे देखने होंगे 18 दिन बाद, सिर्फ और सिर्फ 18 दिन बाद मैं आपको करूँगा। यार गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी 25 कॉलोनी में, इंशाल्लाह यार गाइस आज बच्चे आए पड़े होंगे और ऐसे ऐसे कह के आपको जाऊँगा और बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि यार चलते हैं यार 25 में पाजरा डाला मैं इनको फिर सुकून हुआ है, मुझे अंदर नहीं आने देते, मैं अंदर आता फिर निकालते, अंदर आता फिर निकालते मुझे भाई, मुझे भी निकाल देते और खुद भी बाहर निकाल देते, अब मैंने इनको यार बाजरा डाल दिया, अब ये फिर कुछ देर सुकून से बैठ जाएंगे, ये लो ये भी खा लो ठीक है, और अब हम यार सुकून से अंदर जाएंगे, क्योंकि बैठ पर मैं अंदर जा रहा और देखिए ऐसे ऐसे अंदर आते फिर इनको बाहर भगाते ना, मगरिब हो जानी ईशा हो जानी सुबह हो जानी फजर हो जानी दोपहर हो जानी ये कुछ घड़ी, चलो यार चलते हैं आप ये साथ चलते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए ना, कम से कम भी ना तुमने 20 अंडे दे दिए होने चाहिए एक दिन के अंदर ठीक है, सारे गाइस फीमेल तो यार अंदर गई बैठी हैं, तुम भी बढ़िया के यार इन्होंने अंडे दे दिए होंगे यार, एक फीमेल का तो अंडा आ चुका था, अब पता नहीं वो सलामत है क्या नहीं है, क्योंकि वो जो सब वाली फीमेल है ना वो पिछले कई अर्से ऐसा कर दिया कि अंडा दे दिया और अगले दिन मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ आज दोगे अंडे और वो एक भी गायब होता है, तो आज देखते हैं यार क्या क्या होता है इसने। यार गाइस सबसे पहले चेक कर लेते हैं डोली नंबर 1 को जिसमें कुछ नहीं है, शुरुआत यार गंदी हुई है, तो 2 को चेक कर लेते हैं इसमें भी कुछ नहीं है, 3 में कुछ नहीं है, 4 में कुछ नहीं है, 5 में अंडा आ चुका, चलो यार कुछ तो यानी कि प्रोग्रेस है ना, यानी कि 5 में भी अंडा आ चुका है, 6 में भी अंडा आ चुका है, 7वीं में कुछ नहीं है अभी, 8वीं में कुछ नहीं है, 9th में भी कुछ नहीं है, 10th में भी कुछ नहीं है, 11 में कुछ भी नहीं है, और इसमें भी यार फीमेल गई बैठी है, और यार गाइस ये वही वाली फीमेल है जो जिसने पिछले साल भी ना यहीं पर ब्रीड की थी और इस साल भी वहीं पर ब्रीड करने के लिए आई बैठी है यार, जिससे मतलब ये ठीक हो गया, इसमें फीमेल जा रही है और वही वाली फीमेल जो पिछले साल गई थी और इसने भी गाइस यहीं पर अंडे देने हैं, लेकिन अभी इसको दे रहा है, ये बार बार जा रही थी, मुझे लग रहा था कि यार ये अंडा दे देगी, इसने दे दिया अंडा यार माशाल्लाह, और में भी यार फीमेल गई बैठी है गाइस, इसमें भी गई बैठी है, इसमें भी गई बैठी है, इसमें की नहीं गई बैठी अभी, पर गाइस यार ये जो डोली नंबर 1 थी ना मुझे यार लगता था कि यार इसमें अंडे आ जाएंगे, यानी कि इसमें सबसे पहले अंडे आएंगे, लेकिन यार वो आने भी सबसे पहले थे क्योंकि ये फीमेल सबसे अच्छी है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वही रीज़न है जो कि हमने इसमें पूरा साल डोली ठहरने दिया ना, इसकी वही रीज़न है जो अभी तक फिर अंडे नहीं आ रहे, देखेंगे यार क्या हमें पूरा सीजन बताएगा कि आगे प्रोग्रेस इसकी बेहतर है कि बुरी, अगर बेहतर है तो फिर अगले साल सालों के लिए ठहरे रहेंगे, अगर बुरी है तो अगले साल किसी की भी नहीं ठहरी होगी, तो इसी के साथ ही गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।